हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज द एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 व्हिच इज द रिएक्शन 2 N2O5 गिव्स 4 NO2 प्लस O2 इन गैस फेज एट 318 केल्विन आर गिवन बिलो। तो बच्चों यहां पे हमें टाइम के साथ N2O5 के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है विद द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ 10^2 या फिर 100। एंड क्वेश्चन की सिक्स पार्ट है। फर्स्ट वी हैव टू प्लॉट कंसेंट्रेशन वर्सेज टाइम ग्राफ। सेकेंड, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। थर्ड, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम। फोर्थ, व्हाट इज द रेट लॉग। फिफ्थ, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। एंड सिक्स्थ, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम के एंड कंपेयर इट विद टू। तो बच्चों आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हमें मल्टीपल की कॉन्सेप्ट यूज होते हुए दिखेंगे, जहां पे पहला की कॉन्सेप्ट है हमारा हाफ लाइफ पीरियड। तो किसी भी रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या डिफाइन करते हैं हम? बेसिकली जैसा कि नेम बता रहा, हाफ लाइफ दैट मींस ये वो टाइम पीरियड है जब कोई भी रिएक्शन अपनी 50% कंप्लीशन पे आ चुकी है, यानी कि हमने जितना भी रिएक्टेंट लिया है उसका हाफ कंज्यूम हो गया और हाफ बचा है। सो हाफ लाइफ पीरियड इज डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन, फॉर 50% कंप्लीशन। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे पहले पार्ट को सॉल्व करें, तो पहले पार्ट में हमें ग्राफ प्लॉट करना है विच इज ऑन ग्राफ पेपर। तो ये ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट किया, जहाँ पे वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन है N2O5 का विद अ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ 10^2 विद अ यूनिट ऑफ मोल पर लीटर और मोलर, और एक्स एक्सिस पे टाइम है सेकेंड। तो यहाँ पे सारे पॉइंट प्लॉट किए गए, जैसे 0.163 द फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज 400.136 जो यहाँ कहीं आएगा, 800.1.14, 1200.0.93, 1600.0.78, 2000.0.64, 2400.0.53, 2800.0.43 एंड 3200.0.35। तो इन सब पॉइंट को अगर मिलाया गया तो एक डिक्रीजिंग कर्व मिला है, और वो डिक्रीजिंग कर्व ये शो कर रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट। So this is the answer for the first part where we have to plot the graph. Now for the second part, we graph se solve karenge ki agar half life ki baat karein, so the initial concentration of N2O5 is given as 1.63 into 10^2 mole per liter. To bachcho agar half life ki baat kare to hame wo time nikalna hai jab concentration ho chuka hai aadha, yani ki half of the initial value which is 1.63 इंटू 10^2। तो ये कंसेंट्रेशन आ जाएगा 0.85 इंटू 10^2 के आसपास। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें इस कंसेंट्रेशन की करस्पॉन्डिंग टाइम निकालना है, दैट विल बी हाफ लाइफ। तो 0.85 पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम टाइम देखें तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1500 सेकेंड। तो ये 1500 सेकेंड बन जाएगा हमारा हाफ लाइफ। इतने टाइम के बाद कंसंट्रेशन इनिशियल वैल्यू का आधा हो गया, और ऑब्वियसली क्योंकि हम यहाँ पे ग्राफ से वैल्यू प्लॉट करके निकाले तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल एरर भी आए, जिसको आगे अभी देखेंगे। नाउ फॉर द थर्ड पार्ट अगर हम देखें, तो थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया ड्रॉ ग्राफ बिटवीन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वैल्यूज हमें गिवन है कंसंट्रेशन और टाइम की, अब हमें यहाँ पे लॉग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लॉग वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएंगी, एंड ऑन दैट बेसिस अगर हम फिर से ग्राफ प्लॉट, तो यहाँ पे y एक्सिस पे हो जाएगा log कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 एंड x एक्सिस पे हो जाएगा टाइम इन सेकेंड। और यहाँ पे सारे पॉइंट्स प्लॉट किए गए जो हमने अभी log वैल्यू से निकाले। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का सेकेंड की कॉन्सेप्ट आता है दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट लॉ इज गिवन एज log AT, दैट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू log A0 विच इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस के रेट कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो ये वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स टाइप की इक्वेशन है, एंड अगर कोई भी इक्वेशन वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स टाइप की होती तो दैट इक्वेशन गिव्स अस अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो अगर हम यहाँ पे लॉग कंसेंट्रेशन वर्सेज टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, तो वो स्ट्रेट लाइन आता है विद अ नेगेटिव स्लोप। तो ऑन दैट बेसिस हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है विद अ नेगेटिव स्लोप। तो ये थर्ड पार्ट का जो आंसर है, जो ग्राफ है, ये हमें ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है
कि द गिवन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो हमें रिएक्शन यहाँ पे दी गई है दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ से रिएक्शन का ऑर्डर भी आ गया। एंड इसी के बेसिस पर हम फोर्थ पार्ट का आंसर निकाल सकते हैं विच इज द रेट लॉ ऑफ द इक्वेशन। तो रेट लॉ आ जाएगा यहाँ से R is equal to rate of the reaction is equal to rate constant K into concentration of N2O5 to the power 1, because order 1 है और order ही यहाँ पे rate law में as a power appear। So this is the answer for the fourth part of the question। And fifth part में हमसे rate constant पूछा गया। तो बेटा अगर हम इस question देखें तो जो slope का magnitude है, the magnitude of slope is equal to K upon 2.30। क्योंकि यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है इसलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, और स्लोप हम किसी भी दो पॉइंट को लेकर निकाल सकते हैं, जैसा कि हम इन दोनों पॉइंट को ही लेकर स्लोप निकाल लें तो स्लोप आ जाएगा 0.0002 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ से बच्चों k आ जाएगा 0.00046 सेकेंड इनवर्स। दिस इज द आंसर फॉर द फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। Now for sixth and final part, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन का थर्ड की कॉन्सेप्ट आता है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय 0.693 डिवाइडेड बाय के, दैट विल बी 0.693 डिवाइडेड बाय 0.00046। यहाँ से हाफ लाइफ आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 1506 सेकेंड। This is the half-life from the rate constant। अब बच्चों अगर देखें तो हमने ग्राफ से जो half-life निकाली थी that was 1500 second। The half-life from the graph was approximately 1500 second। और अगर हमने यहाँ पे rate constant से जो half-life निकाली that is 1506 second। That was the half-life from the graph 1500 second। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत error आया 6 second का approximately, and that error is because of the experimental values जो हमने graph में plot। So this is the comparison of the half-life calculated in part 2. Hope this clears the question. All the very best.